मुसलमानों ने 9 मर्तबा जहर दिया, जिगर के टुकड़े काट काट के बाहर आने लगे, कब्र नबी पे सीना रखा, आवाज आई मेरा लाल क्यों आया है, का नाना कब्र की जगह मांगने के लिए आया, आवाज आई उम्मत आने दे तो नाना बिस्मिल्लाह कहता है, वहां से चला मां की कब्र पे गया, रो के कहने लगा अम्मा मैं नाने के पास कब्र की जगह मांगने गया था, कब्र में तड़प के कह दिए मां के पास चले आना, मां तुझे अपनी झोली में जगह दे देगी। दरवाजों के सहारे लेके इमाम मुबीन घर पहुंचा, अल्लाह तुम्हारे वारिस सलामत रखे मेरी बेटियों बहनों, इमाम हुसैन किसी बीबी का मान न तोड़े, उम्मे फरवा ने इमाम हसन के मुंह से खून निकलता देखा, तड़प के कह दिए मुझे लगता है हम मदीने में उजड़ गए, आवाज आई जल्दी कर मेरे लिए बिस्तर बिछा, जनाबे उम्मे फरवा ने बिस्तर बिछाया, हुसैन के अजादारों दुनिया के किसी गम में न रोवो हुसैन का सदका, जो मदीने में बिस्तर पे तड़पता रहा उसे जहरा का अमीर हसन कहते हैं, जो करबला की तपती हुई रेत में तड़पता रहा उसे गरीब हुसैन कहते हैं। आवाज आई मेरे कासिम को जगा, 3 साल के बच्चे का नींद से उठना बड़ा मुश्किल होता है, बीबी ने उठा के सीने पे सुलाया, सीना अतहर की गर्मी कासिम को लगी, तड़प के कहते हैं अम्मा मुझे किस गर्म बिस्तर पे सुला दिया है, अम्मा मुझे किस गर्म बिस्तर पे सुला दिया है, आवाज आई बाबा का सीना है आखिरी रात है, एक फिक्र कह दो जो झोलियां तरसती हैं, सदका जनाब जहरा के नफीस बेटे का इमाम हसन का सदका, खुदा उन्हें औलादे अता फरमाए, जिन्हें औलादे दी है मौला तुम्हें बख्श दे, जरा मुझे बताना अपनी औलाद को तावीज क्यों बांधते हो, जवाब आएगा लंबी जिंदगी के लिए, हाय कह के कह दे किस्मत हसन की, बेटे को मरने की इजाजत की खातिर तावीज लिख लिख के इमाम हसन बांधता रहा, तावीज बांधा कासिम जा फुफियों को इतला कर, आवाज उम्मे फरवा की मां